गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई टेल यू डायरेक्ट ट्रांसलेशंस ऑफ हिंदी. ओके, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाएं. 1947 से पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई थी जिसमें ड्राफ्ट जो था वो बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉज वगैरह. अभी चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स की एक ऐसी बॉडी है जो कि आइडियोलॉजिकल टेनेंस, मतलब कि वो विचारधारा जो होती है, उनके जो सिद्धांत होते हैं किसी देश के, उनके द्वारा गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, वो चलाई जाती है. या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी नेशन या किसी लैंड का एक रिटर्न लॉ है. उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही या उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही वो आगे चलती है और अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करती है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे बहुत सारे बेसिक और इनवायलेबल रूल्स जो हैं उनको बनाती है, जैसे जिसको गवर्नमेंट और वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनको फॉलो करता होता है, करना होता है. इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करता है, उसके साथ साथ ही सिटीजन्स के राइट्स को भी डिफाइन करता है. देन आफ्टर वो वहाँ की गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बनाता है. अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे सुप्रीम यानी सबसे मुख्य होता है, जो कि वहाँ की वैल्यूज़ और वहाँ के वाइजन्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के सिग्निफिकेंस यानी कि इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो हो उनके साथ ना हो. साथ ही वो वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, ताकि वो एक हार्मनी बनाकर, मानवता के रूप में एकता बनाकर वो वहाँ पर रहें. देन सेकेंड पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों ऑर्गन्स के पावर पर लिमिटेशंस लगाता है, ताकि वो किसी प्रकार का कोई भी मिसयूज जो है उनके द्वारा नहीं किया जा सके. साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशंस के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसको पूरा करता है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, कौन उनको चॉइस करेगा, अदर एक्सेट्रा, और उसके साथ साथ ही उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी वो हेल्प करता है. इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप्स हुआ, कोई कम्युनिटी हुई, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाता है, ताकि वो भी अदर ग्रुप्स के इक्वल के रूप में उनका डेवलपमेंट हो सके, और किसी स्पेशल ग्रुप जो है उसको प्रिविलेज सेक्शन जो मिल रहा है प्रिविलेज, तो वो किसी प्रकार का उसका गलत इस्तेमाल ना करे, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशंस ध्यान रखता है. देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये गारंटी देता है कि जो फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे हैं सिटीजन्स के, उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा और गवर्नमेंट पावर के द्वारा उनका कोई भी मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है. इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट जो है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये डिफाइन करता है कि किसी गवर्नमेंट का एक सिटीजन्स के लिए, उन सिटीजन्स के लिए क्या गोल होना चाहिए, उसके साथ साथ सिटीजन्स की जो एस्पिरेशंस रहती है गवर्नमेंट के लिए, जो आकांक्षा रहती है, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशंस का कार्य होता है. अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए नेपाल का एग्जांपल दे रखा है, कि जैसे कि नेपाल एक मोनार्चिकल गवर्नमेंट थी पहले, है ना, तो वहाँ पर 1990 के पहले वहाँ पर भी पहले जो किंग्स थे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उनके अकॉर्डिंग बनाए थे. अब नेपाल के जो सिटीजन्स थे उन्होंने उसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सालों तक उनके द्वारा डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए फाउट भी किया गया. फिर 2006 में फाइनली उन्होंने जो किंग था उनको वहाँ से हटाया और उन्होंने एक डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस की डिमांड रखी, है ना. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ वगैरह बिठाए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए, कि किस तरीके से हम हमारा कंट्री का आइडल क्या रखेंगे, कौन कौन से लॉज रखेंगे. इन लास्ट 2015 में उन्होंने एक न्यू सोसाइटी बनाने के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा अडोप्ट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है. और जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया वो एक न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग, उनकी गाइडलाइंस वगैरह, डिसीजंस वगैरह वो उनके अकॉर्डिंग लिए गए. फिर आता है आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस था वो किस तरीके से बनाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो 1946 जुलाई को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिठाई गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है? तो
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए उन पर डिबेट्स करने के लिए एक असेंबली बिठाई गई थी, जिसके जो मेंबर थे उनको इलेक्ट करके रिप्रेजेंट किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बुलाई गई, जिसमें 384 मेंबर थे। अब उनमें पाकिस्तान के भी थे और इंडिया के भी थे। देन आफ्टर पाकिस्तान और इंडिया दोनों में डिवाइडेशंस हुआ। देन आफ्टर लास्ट में हमारे 299 मेंबर बचे थे। तो उन 299 मेंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। अब उसके बाद असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, और ताकि किसी प्रकार का कोई भी कास्ट छूटे नहीं, वो सभी के लिए इक्वल लॉस बने, इसलिए उन्होंने सभी कास्ट के लोगों को उन्होंने उसमें रखा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक लॉ के लिए डिबेट हुआ वहाँ, कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इससे सभी को प्रॉफिट मिलेगा, किसी स्पेशल को ही मिलेगा, इस तरीके से डिबेट्स हुई। और हमारे बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अप्रोक्सीमेट 3 ईयर, यानी कि आपको पता है 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। देन आफ्टर 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू किया गया। यहाँ तो 1949 को तो स्वीकार किया गया था, और 1950 को ये इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हुआ। अब इसके पीछे क्या रीज़न था कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया? उसका ये रीज़न था कि 1929 को कांग्रेस पार्टीज के द्वारा रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग जो था वो अडॉप्ट किया गया था, यानी कि जिसको पूर्ण स्वराज जो था वो अडॉप्ट किया गया था। अब इसका ऐसा जो था वो सभी को रियलाइज़ नहीं था कि पूर्ण स्वराज इस अडॉप्ट किया गया नहीं किया गया वो, तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल बनाने के लिए फिर 26 जनवरी 1930 को भी रियलाइज़ करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और एवरी ईयर हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है आपका प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रस्तावना के रूप में रखा गया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो एक बड़े घोषणा डिक्लेरेशन के साथ बना, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ रखी गई, बहुत सारे आइडियोलॉजीज रखी गई, है ना, जिसमें ये लिखा गया कि वी हम द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, और हम सभी मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को सवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के रूप में सुरक्षित रखेंगे। मतलब कि हम सभी इसको प्रभुत्व के रूप में, समाजवाद के रूप में, धर्मनिरपेक्षता के रूप में, लोकतांत्र के रूप में और गणतंत्र के रूप में सिक्योर रखेंगे। साथ साथ में जस्टिस का था कि यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस रहेगा, सभी को एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फैथ और वर्शिप के लिए लिबर्टीज मिलेगी, मतलब कि हर व्यक्ति बोलने का अधिकार होगा, आस्था रखने का, विश्वास का, और चाहे उन घोड़ की पूजा करने का उसके पास लिबर्टी यानी कि फ्रीडम होगी। उसके साथ साथ ही हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इक्वल प्रमोशन उनको मिलेगा। फिर फ्रेटर्निटी के भाईचारा के, हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी डिग्निटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी बनाकर इस नेशन में रह सकता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो 26 नवंबर 1949 जो था उसको एडॉप्ट किया गया था, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रही है, और ये जो है वो हम इंडिया के जो नागरिक हैं उनके द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ के नागरिकों के द्वारा ही और नागरिकों के लिए ही बनाया जा रहा है। उसमें फिर सवरेक्न का यूज़ हुआ, जिसका मतलब होता है कि इंडिया जो है अब इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई भी फॉरेन कंट्री आकर अपना प्रेशर या अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। उसके साथ साथ सोशलिस्ट रखा गया कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सिटीजन्स हैं, उनमें किसी प्रकार का भी एक्सप्लोइशन नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, और किसी प्रकार कोई भी इनइक्वलिटी उनके साथ नहीं की जाएगी, और चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो रिच पीपल हो या पुअर हो, सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, और हर व्यक्ति को अपने इनकम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको आगे मौका मिलेगा। फिर सेक्युलर का मतलब था कि हमारा इंडिया जो है यहाँ पर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं वो हर रिलीजन्स को इक्वल रखेगा। इसके साथ साथ हर व्यक्ति चाहे उस रिलीजन को मान सकता है, किसी को भी किसी प्रकार का रिलीजन मानने के लिए उस पर प्रेशर नहीं रखा जाएगा, वो चाहे उस फ्रीडम से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, कंटिन्यू रख सकता है, और प्रीच यानी उसका प्रचार प्रसार या फिर कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल है तो वो सेलिब्रेट कर सकता है। फिर डेमोक्रेटिक, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और
यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो यहाँ के सिटीजन्स के द्वारा चुनी जाएगी। फिर रिपब्लिक कि इंडिया जो है वो एक हेरिटेरी रूलर नहीं होगा, मतलब कि वही राजा महाराजा वाला रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ आपके स्टेट के हेड जो होंगे वो एक फिक्स टर्म से चुने जाएंगे जिसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। फिर जस्टिस कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए एक इक्वल लॉ होगा और किसी प्रकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे क्रीड से, चाहे जेंडर से, चाहे रिलीजन से, उनके द्वारा उन पर नहीं किया जाएगा। और हर व्यक्ति का लिबर्टी और इक्वलिटी का मेन था कि हर व्यक्ति को यहाँ पर फ्रीडम दी जाएगी और हर सिटीजन जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्रेस के लिए दिया जाएगा। फ्रेटर्निटी के हर व्यक्ति जो है ब्रदरहुड यानी भाईचारे से यहाँ पर रह सकता है, अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ बनाकर नेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन से हम कल रीड करेंगे।